सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन। तो मैं हूँ अभी मोरे में, अभी म्यांमार नहीं गया फिलहाल। मतलब पता ही है आपको क्या चल रहा है, कुछ लफड़ा लफड़ा चल रहा है कुछ। तो अभी मोरे हूँ, मोरे का मतलब बॉर्डर आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे फ्रेंडशिप जो गेट है वहाँ से, और भी आपको मैं घुमाऊँगा आगे जाके। एक और जो था वो ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा वहाँ पर, जहाँ मतलब सेल्फी पॉइंट है, जहाँ वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो चलिए लेकर चलता हूँ। मोरे एक भाई मिले मुझे अपने बिहार के हैं, उनके पास रुका हुआ। वो कह रहे हैं कि न्यू ईयर के बाद चल जाना, 2022 में चल जाना। मतलब एक साल वैसे आप मान लो कि यहाँ रुक गया। चलते हैं फिर। ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो अभी जा रहा हूँ मैं कहाँ पे, जहाँ पे एक भाई है उसके पास जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, और आपको उनसे भी मिलवाऊँगा जो मैंने रखा था। तो फिर उनका भी मैं चैनल का लिंक दे दूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चले चलते हैं। तो ये है इंडिया और म्यांमार फ्रेंडशिप गेट, जो है बंद है अभी फिलहाल। देखो वहाँ पे लिखा है बंद है, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ ही रह सकते हैं। इसके बाद अब चलो आपको वहाँ घुमाते हैं, नहीं तो यार मैं मुझे तो जाना था, बट देखते हैं आप। यहाँ पे देखो ये सब दुकानें हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ पे इम्फॉल में, आपको बताता हूँ कुछ देर बाद। तो ये भाई मोरे मार्केट जो आपको दिख रहा है, ये सब मोरे का मार्केट है। ये सब है, तो मैं अभी बॉर्डर के पास ही हूँ फिलहाल। कहाँ पे? बॉर्डर के पास जा रहा हूँ। ये गेट नंबर 2 है गेट नंबर 1 जा रहा हूँ मैं। गेट नंबर 1 से आप वो ले सकते थे परमिशन, और गेट नंबर 2 से ले सकते थे, गेट नंबर 1 से जा सकते थे। तो देखता हूँ यार क्या होता है। वैसे जा तो सकते हैं, बट रिक्स है इसमें, इस करके मैं नहीं जा रहा, क्योंकि क्यों जाना यार, बहुत डेंजरस है। और चल रहे हैं उधर, किधर को, 1 की थोड़ा फ़ोटो क्लिक करते हैं, जहाँ पे कितने लोगों ने करवाया है। जा तो सकते हैं बट मैं जा नहीं रहा हूँ। तो अब मैं जाऊँगा अरुणाचल प्रदेश के लगभग। ये देखो मछलियाँ कैसी है। पूछता हूँ क्या रेट है, कितने रुपए का ये है, 1 kg कितना रुपए, 200, 400। ये 1 kg 400 है। और ये कौन सी सूखी है, ये देखो भाई, ये पूरा इतना गंदा समय ला रहा था ना, क्या करूँ। ये देखो भाई साहब, भागना पड़ेगा यहाँ से, पता नहीं कैसे लोग खा लेते हैं। ये देखो समोसा भाई साहब, मेरा तो पूरा करने वाला मन हो गया था। ये मछलियाँ है क्या है, दिमाग खराब हो गया था यार, इतना मतलब गंदा समय लग रहा था, सर गया है। लोग ऐसे ही मतलब सूखा ही शहद खाते हैं। मैंने एक बार वो ले लिया था, क्या कहते हैं, 100 रुपये का
इतना होगा 50-60 ग्राम से लगभग साइज उससे ज़्यादा। वो था क्या उसको कहते हैं, हमारे तरफ उसको झींगा कहते हैं, झींगे की, ठीक है ना। तो वाला मैंने ले लिया तो मुझे लगा कि बना हुआ है, तो मैंने ऐसे ही मतलब खा लिया। तो भाई साहब मेरा पेट इतना दर्द करने लगा ना, क्या कहूँ, पूरा काम ख़राब हो गया। तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया उसको, मुझे लगा लग रहा था कि भाई बनया है, इस करके मैंने ले लिया। तो चलो चलते हैं अब उधर। देखो यार प्यास तो लगा है, मांगता हूँ पानी अगर ये पीने देंगे तो। अंकल थोड़ा पानी मिलेगा, पानी पीना, पानी पी लेते हैं एक मिनट। थकाचारी अंकल, थकाचारी, थकाचारी कहते हैं थैंक यू को, थकाचारी। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ गेट नंबर 1, थकाचारी। थकाचारी मतलब हो गया थैंक यू। तो चलो चलिए गेट नंबर 1 पूछता हूँ। ये देखो भाई बंद है, ये वाला आपने देखा होगा, ये देखो। तो लो जी भाई आ गए इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप गेट के पास हूँ मैं। ये पानी भर रहे हैं बंदे, वो है जो फ्रेंडशिप गेट है, आप लोगों ने कई बंदों ने देखा होगा इसको, कितने लोगों को वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने, आपको दिखाता हूँ। चलते हैं नीचे। यहाँ से लोग पानी ले जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो भाई साहब इधर बॉर्डर पता क्यों बंद है, क्योंकि जो उधर के जो सरकार है ना, जो एक थी, कौन थी सरकार यहाँ का, सरकार जो वो बनी थी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किया जैसे मोदी है वैसा ही वो थी, पता नहीं उसका नाम क्या था यार, अभी पता था कुछ देर पहले। तो भाई साहब जिनको पता है उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो म्यांमार है वहाँ पे पहले से मिलिट्री का कब्जा था, और इस बारी जो बोट पर आए एक वो थी म्यांमार की, उसने उधर अमेरिकन से शादी कर लिया था, इस करके ये लफड़ा पड़ गया। मिलिट्री वाले कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती किया है, तो उनको पकड़ लिया है, गिरफ्तार मतलब उनको जेल में रखा है 2 साल हो गया। और जो वो है उनको मतलब ऐसे थे, जो आम जनता है वो कह रही है कि नहीं हमने लोगों ने उसको ही वोट पाया, और वो कह रहे हैं मिलिट्री वाले के नहीं ये ज़बरदस्ती हुआ है, इस करके उनको पकड़ लिया है, इस करके म्यांमार बॉर्डर बंद है, अब 3 साल होगा या 2 साल होगा, तो ये चक्कर चल रहा है। नहीं तो मिलिट्री का पहले मिलिट्री ने 10 साल यहाँ पे किया था। ये है ब्रिज जो है, और यहाँ से लोग पानी ले जाते हैं, यहाँ से ये ऊपर ब्रिज है, इस पानी के उस पार है म्यांमार और ये है इंडिया। यहाँ इनका भाई साहब का मशीन ख़राब हो गया, इनका ये ठीक कर रहे हैं मशीन, है ना, प्लग निकल गया है, इधर कर रहे हैं ठीक, यहीं पे बैठा हूँ उन लोगों के साथ बातचीत हो रही है। तो यही आपको दिखाना था, नहीं तो यार मैं तो चली जाता अगर जब खुला होता, तो देखते हैं उधर जाता हूँ तब भी चलो ठीक है। ये ब्रिज है, ये नदी देखो,